हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया ब्लॉग्स। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया आया हूं। आज आप देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया के लिए का रोड है, मतलब यहां पे सामने गेटवे ऑफ इंडिया, जो पीछे जो आपको किला के जैसे दिख रहा है ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जस्ट पीछे ये ताज होटल है और ताज होटल से ये रास्ता यहाँ से वहाँ तक के लिए एक चौड़ा सा रास्ता बनाया गया है जिस पे दोनों साइड गाड़ी पार्किंग होती है और किसी को घूमना होता है तो नाइट में या डे में इधर घूमते हैं लोग। और बाकी यहाँ पे मैं देखा तो यहाँ पे ये फुटपाथ बना हुआ है जो कि पब्लिक हर दिन सुबह शाम यहाँ पे घूमने के लिए आती है लोग। दिन में थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा धूप होने के कारण बहुत सारे पब्लिक नहीं आते, जमा नहीं होते, मगर शाम के टाइम में बहुत सारे पब्लिक जमा होते हैं लोग। मैं बता दूँ कि जब यहाँ से जो आपको रेड कलर का जो गुंबद दिख रहा है ये ताज होटल है और सामने गेट ऑफ इंडिया, उसके जस्ट सामने बीच है और इस बीच में यहाँ पे बहुत सारा जहाज़ खड़ी रहती है, छोटे छोटे जहाज जो हाजी अली क्या बोलते हैं, जो अलीबाग के लिए जाती है, मुंबई टू मांडवा के लिए जाती है। ये सामने देखेंगे, इसमें कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा, बहुत जूम करेंगे तो भी नहीं दिखेगा। यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर अंदर एक टापू है बड़ा सा, वो उसको एलिफेंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी लोग जाने के लिए ये इसी जहाज़ से जाते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े शिप है, या किसी का रिसेप्शन या कोई पार्टी रखता है तो ऐसे वाइट क्या अच्छे अच्छे शिप्स, जैसे ये देख सकते हैं ये शिप लगे होते हैं, तो ये शिप सब भी बुक करने पड़ते हैं। फिर लग्जरियस शिप आती है जो आपके पास जितने अच्छे से अच्छे गाड़ी नहीं होते हैं उससे अच्छे से अच्छे यहाँ पे, जैसे यॉट जिसको बोलते हैं, वो याच होता है, वो भी आती है यहाँ पे, तो सब भी बुक करना पड़ता है अपने पार्टीज़ के लिए जिस हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे सामने एक शिप क्या बोलते हैं बीच के अंदर तक एक बड़ा सा प्रोग्राम हॉल के जैसे बनाया, प्रोग्राम के जैसे बनाया गया खुलता जगह है, तो किसी का शादी रहता है, किसी का रिसेप्शन रहता है, तो वो भी यहाँ पे रखता है। और यही नहीं, यहाँ पे मतलब ये सामने देख सकते, ये सामने देख लीजिए, ये छोटे छोटे जो स्टीमर खड़े हैं ना, स्टीमर नहीं कुछ तो भी बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे जहाज़ है ये, इसमें मतलब 10 लोग 15 लोग 10, एक फैमिली जाती है तो फैमिली के लिए इसको बुक करना पड़ता है, तो 2-3 घंटे के लिए 3,000-4,000 चार्ज करते हैं, पूरे दिन के लिए भी अलग अलग पेमेंट। ये वहाँ से बराबर ताज होटल दिखता है, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसको पास से देखेंगे ना फिर मालूम पड़ता है, इसके जो पत्थरों से जैसे सजा सजा के बनाया गया है एक अलग ही लुक दिखता है यहाँ से। और कभी भी यहाँ पे घूमने के लिए मुंबई से लोग दिन में रात में, मतलब ये सुबह तक लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और ये है सामने मुंबई दर्शन के लिए बस मिलता है, इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और जा कर के वहाँ BHT से भी बुक कर सकते हैं, ये ओपन ऊपर से ओपन रहता है। और ये फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, कोई अगर 10-20 लोगों के एक साथ है तो बस बुक कर लिए पूरे मुंबई को दर्शन किए, और अगर अकेले घूम रहे हैं तो उसका हिसाब किताब कुछ अलग ही रहता है, उसमें पूरे लोग मिक्स रहते हैं। ये सामने ताज होटल का मेन एंट्रेंस हो गया, जिनको भी ताज होटल में आना रहता है वो यहाँ से एंट्री मारते हैं। और भी 2-3 गेट है साइड साइड से। और ये हो गया गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया का ये पूरा ग्राउंड है। दिखने में तो, और ये है ताज का, ताज मतलब ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कितने सारे एक्टर्स आजू बाजू से, कोई पिक्चर में भी आपने देखा होगा या कोई न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, ये मेन जगह है जहाँ से फ़ोटोज़ आता है ज़्यादा ताज का। ताज होटल बम्बई का बहुत पुराना है। ये हो गया 20 रुपये का प्लेट का आपको नाश्ता मिलेगा, अच्छा है 20 रुपये में। ये देखा आपने फ्रूट्स, ये फ्रूट्स वाला ऐसा लग रहा था जैसा प्लेट मैंने भर भर के रखा है, मतलब इतना है कि वो ख़त्म नहीं होगा, मगर उसकी हाथ की इतनी अच्छी सफाई है कि उसने जो फ्रूट को काटा ना इतना पतला पतला करके काटा है कि वो आपको मुंह में डालेंगे कितना भी कुछ भी रहेगा आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ खाया, मतलब पूरा एक प्लेट भर के दिख रहा, मगर वो है नहीं भर के, असल में वो मुश्किल टू मुश्किल एक कलिंगर जितना अपन बाहर काटते ना वो कलिंगर के जितना है बस,
और एक एक पीसेस है और उसको सजा सजा के इतना बड़ा मचान के जैसे बना के रखा है बंदे ने, मतलब उसमें कुछ भी है नहीं, बस ऊपर से दिख रहा हूँ। मतलब 20 रुपये, हाँ 20 रुपये बनता है क्योंकि उसकी मेहनत है। मेन गेट से इंटर हो गए गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, अभी ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। अब मैं बता रहा था आपको कि आपको अलीबाग जाना है या मुंबई टू मांडवा जाना है या फिर एलिफेंटा जाना है तो यहीं से जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे जस्ट बाजू में आएंगे आप तो लोग यहाँ पे इंटर हो रहे हैं, देखेंगे ये सारे लोग मुंबई टू मांडवा अलीबाग। अभी एलिफेंटा अभी नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह जाते हैं और शाम को रिटर्न आ जाते हैं, मगर मुंबई टू मांडवा अभी जा सकते हैं, अलीबाग जा सकते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि अलीबाग क्यों जाते हैं लोग, मुंबई टू मांडवा क्यों जाते हैं? अच्छा, मैं बता रहा था कि लोग हाजी अलीबाग और मुंबई टू मांडवा क्यों जाते हैं, क्योंकि मुंबई टू मांडवा एक स्टॉप है, वहाँ से उतर के लोग हाजी अलीबाग के लिए जाते हैं। क्योंकि अलीबाग में एक बीच है, जैसे इधर भी बीच है नरीमन पॉइंट है और क्या बोलते इधर है जूहू, वैसा बीच हाजी अलीबाग में है और वो बीच बहुत ही क्लीन है, मतलब मुंबई से तो क्लीन है, पानी वहाँ का साफ़ है, तो लोग वहाँ पे नहाने के लिए एंजॉय भी शिप लगी है और यहाँ पे भी रेडी हो रही है। तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल का राज। अभी यहाँ पे एक राज और बाकी रह गया, ये जहाज़ तो मैंने दिखा दिया, मगर एक और जहाज़ जो मैंने आपको बताया फैमिली जहाज़ होती है जिसमें 5 लोग 10 लोग तक जाते हैं, वो इतनी लग्जरियस होती है कि उसके सीट जो होते हैं वो अच्छे से अच्छे लेदर का सीट बना होता है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि आप देखेंगे तो सच में ऐसा लगेगा कि हाँ क्या चीज़ बना हुआ है, क्या चीज़ है।